मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। योजनाओं से बेहतर क्रियान्वयन और कार्यों पर निगरानी रखने के लिए लाडली बहना सेनाओं की भूमिका को सक्रिय बनाया जाएगा। सभी ग्रामों में लाडली बहना सेवाएं बनेगी। बड़े ग्रामों में 21 सदस्य और छोटे ग्रामों में 11 सदस्य गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान आज धार जिले के गंधवानी में लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। आगामी 15 अगस्त तक 1,00,000 पदों की भर्ती का कार्य पूर्ण होगा। इसके पश्चात भी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य निरंतर चलेगा। धार से लोकेंद्र दरबार की रिपोर्ट। हमारे गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जगह कम पड़ रही थी, उनको आज मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत प्लाट दिए गए हैं। लेकिन उनके बीच आने का सुख और आनंद अलग है। बहनें आज गा रही थी, कब आओगे भाई, कब आओगे। मैं इनका आप कभी नहीं जाएंगे, बहनों के पास ही रहेंगे। दाल, पनिया, कढ़ी, अद्भुत भोजन आज हमारी बहनों ने बनाया, उनको प्रणाम। और इन्हीं भाइयों और बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।